हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नई किचन टिप्स एंड आइडियाज़। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टिप मेरी इस तरीके से माचिस को लेकर है, और यहाँ लिया है मैंने कोलगेट। और इस माचिस की तिल्लियों के ऊपर जहाँ काले रंग का मसाला होता है ना माचिस की स्टिक के ऊपर, वहाँ पर अच्छे से इसको लगा देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको सुखाने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया और इसको थोड़ी देर सूखने देने के लिए छोड़ दिया है मैंने। और ये देखिए, यहाँ पर कोलगेट माचिस के ऊपर सूख गया है, हाथ पे चिपक नहीं रहा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से। अब देखिए यहाँ लिया है मैंने थोड़ा सा पानी, और क्या करेंगे इस माचिस की तिल्लियों को ना अब थोड़ा सा हम भिगोएंगे। तो देखिए यहाँ पर भिगो लिया है मैंने, गीला कर लिया, और इसको भी मैंने गीला कर लिया है। और फ्रेंड्स, अब मैं इसका ना एक जादू दिखाती हूँ। इन दोनों माचिस की तिल्लियों को गीला करने के बाद ना देखिए ये जो कोलगेट लगाया है इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर जैसे ही आप लगाओगे ना, गीली करके भी चलाओगे ना माचिस को, तो ये जल जाएंगी। देखिए यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से जल गई। तो ये टिप आपके ना जैसे बारिश के मौसम में क्या होता है, जब काम आने वाली है हमारी जो माचिस की तिल्लियाँ है ना वो सील जाती हैं, उनका मसाला भी ख़राब हो जाता है। तो आपको इस तरीके से कोलगेट लगाकर उसको सुखाकर यूज़ कर लेना है, आपकी माचिस की तिल्लियाँ बिल्कुल सेफ़ रहेंगी। नेक्स्ट टिप देखिए, इस तरीके से मेरी जो है चैन को लेकर है। तो कई बार क्या होता है कि हम मंगलसूत्र पहनते हैं या फिर चैन पहनते हैं, तो इस तरीके से जो इसका पीछे का हुक होता है ना, ये जो हुक होता है ये हमारे बालों में उलझ जाता है, जिससे कि हमारे कई बार तो बाल इतने ज़्यादा खिंच जाते हैं, काटने पड़ते हैं और इसमें से निकलते ही नहीं है। तो इसको कैसे पहनने से पहले आपको एक काम करना है, आपको लेनी है सेलो टेप। तो देखिए घर में तो सेलो टेप होती है, और जहाँ ये लॉक है ना वहाँ पर इसको सेलो टेप को ना अच्छे से लगा देना है। इससे बिल्कुल लॉक जो है बंद हो जाएगा और इसके अंदर आपके बाल बिल्कुल भी उलझेंगे नहीं। और इसको इस तरीके से सेलो टेप को लगाकर आपको पहन लेना है। इससे आपको दो फायदे होने वाले हैं, एक तो ये आपके बालों में उलझेगा नहीं हुक, और दूसरा कई बार क्या होता है कि जो ये इसका लॉक होता है ना वो खुला रह जाता है, और जिससे कि हमारी जो चैन है बाहर खुल कर निकल कर गिरने का भी डर बना रहता है, वो उससे भी आपको सेफ्टी मिल जाएगी। इस तरीके से आपको आपके दो काम आसानी से हो जाएंगे। एक बार इसको इस तरीके से पहनकर यूज़ कीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। तो चलते अपने नेक्स्ट टिप पर। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अगरबत्ती तो हम यूज़ करती हैं घर के अंदर और मंदिर में भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ ये मैंने लिया है अगरबत्ती, और इसके पीछे वाली जो स्टिक है ना इसको अलग करके निकाल देना है। तो आज मैं इसका भी बहुत बढ़िया यूज़ बताने वाली हूँ अगरबत्ती का, आप कैसे घर में अपने पैसे बचा सकते हैं। और यहाँ लिया है मैंने ये इत्र, तो ये तो आपको पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाता है, और पूजा के लिए तो हम इसको यूज़ करते ही है। तो ये जो है थोड़ा सा बचा हुआ है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी मिलाया है। तो आपको इसको यूज़ करना है, और आपको लेनी है अगरबत्ती और इसके अंदर इस तरीके से लगा देनी है। तो फ्रेंड देखिए इससे क्या होगा, ये जो ना इत्र है ये अगरबत्ती के जरिए ना इसके अंदर जितनी भी फ्रेग्रेंस होगी वो सारी बाहर निकलती रहेगी, और ये बनकर तैयार हो गया हमारा एयर फ्रेशनेस। तो आपको इस तरीके से लगा कर ना अगरबत्ती इसके अंदर अपने कमरे में रख देना है, या फिर किचन में रख सकते हैं, या फिर बाथरूम में। तो इससे धीरे धीरे जो है अगरबत्ती के जरिए इत्र की फ्रेग्रेंस जो है खुशबू है वो निकलती रहेगी, और आपके कमरे के अंदर हर जगह जहाँ इसको रखोगे ना वहाँ पर खुशबू ही खुशबू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आइडिया, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास ये बोतल नहीं है तो आप खाली नेल पेंट की बोतल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टिप में मैंने लिए ये पानी की बोतल। तो यहाँ पर आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले सकते हैं, पानी की, दोनों में से कोई से भी जो आपके पास है आप वो ले लीजिए। और इसको क्या करेंगे, बीच में से यहाँ से ना हम कट कर लेंगे। तो ये आसानी से कट हो जाती है, यहाँ पर देखिए चाकू से ही मैं कट करके दिखा रही हूँ। तो ये छोटे साइज़ की बोतल ली है मैंने, तो यहाँ पर बस हमें बीच में ही सेंटर में कट करना है, ना तो इसको नीचे तक कट करना है ना ही ऊपर से ज़्यादा कट करना है। तो ये बीच में से देखिए इस तरीके से कट हो जाएगा और ये खुल जाएगी। और फ्रेंड्स अब इसको कैसे यूज़ करना है अभी मैं बताती हूँ। तो हमारे पास घर के अंदर ये कॉटन तो होती है जो कि बाहर ऐसी रखी रहती है और काली पड़ जाती है, धूल मिट्टी इसके अंदर
अंदर घुस जाती है। तो आपको क्या करना है, इस कॉटन को इस बोतल के अंदर अच्छे से लगा देना है, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ये फ्री का ऑर्गेनाइज़र बनाकर आप घर में ही तैयार कर लेंगे इस तरीके से, और इस बोतल से देखिए क्या फ़ायदा होगा। जैसे ही आप कॉटन निकालोगे ना, तो आपको जितनी कॉटन चाहिए आप उतने ही कॉटन निकाल लोगे, एक्स्ट्रा कॉटन इसमें से आएगी नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है। जब इसका हमने काट के मुँह खोला है ना, वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आइडिया, अगर अच्छा लगा है तो एक बार इस तरीके से इसको बनाकर यूज़ कीजिएगा, और ये आइडिया कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप पर। तो यहाँ लिया है मैंने फ्रेंड्स टिश्यू पेपर, तो एक ही टिश्यू पेपर लिया है, और इसको भी मैं पूरा यूज़ नहीं करूँगी, इसमें से भी मैं इसका हाफ पार्ट निकाल लूँगी, और इसके हाफ पार्ट में से भी हम दो पार्ट इसके कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। तो दो पार्ट मैंने कर लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम टेलकम पाउडर, तो आपके पास कोई सा भी टेलकम पाउडर है आप वो ले लीजिए। और इसको डालने के बाद हम बनाएंगे इसकी छोटी छोटी सी पुड़ियाएँ, जैसे मैं बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये पुड़िया बनाकर हो गई है तैयार, तो इससे है ना आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये पुड़िया कैसे यूज़ करूँगी अभी मैं आपको बताती हूँ। तो इस पुड़िया से भी आपको ना दो काम होने वाले आपके। तो ये दोनों पुड़िया कर ली है मैंने तैयार, तो चलिए इसको हम यूज़ करके दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमारे बच्चों के शूज़, हस्बैंड के शूज़ जो होते हैं ना, उनमें से कई बार इतनी ज़्यादा स्मेल आती है कि जो है वो स्मेल सारे घर में हो जाती है। और ये जो है ना हमने इसके अंदर डाला है ना टेलकम पाउडर, उससे और टिश्यू पेपर से दो फायदे इस तरीके से होने वाले हैं। जब इसके अंदर डाल के रखोगे, एक तो वो स्मेल बिल्कुल गायब हो जाएगी, दूसरा ये है कि अगर गीला भी होगा ना शूज़, थोड़ा बहुत वो टिश्यू पेपर सोख लेगा उसका गीलापन। और आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपके पास टेलकम पाउडर नहीं है, टिश्यू पेपर नहीं है, तो आप देखिए स्मेल भगाने के लिए ना डीओ परफ्यूम तो घर में होता ही है, आप उसको छिड़क सकते हैं, और इस तरीके से जो शूज़ की बदबू है वो दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप में लिया है मैंने यहाँ पे आलू, कच्चा आलू तो घर में होता ही है किचन में, तो आपको इसका थोड़ा सा पार्ट कट कर लेना है। देखिए मैंने कट कर लिया, और यहाँ पर अब एक काम और करेंगे, लेंगे कोलगेट और इस आलू के ऊपर ना अच्छे से इसको लगा देंगे। कोलगेट को चारों तरफ अच्छे से फैला दीजिए, जैसे मैंने फैलाया है यहाँ पर, और ये लगा दिया है चारों तरफ। और इसको कैसे यूज़ करना है अभी मैं आपको बताती हूँ, तो चलिए इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो वॉश बेसिन है वो अच्छे से क्लीन हो रखा है, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद ना फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ, कई बार इतने ज़्यादा दाग धब्बे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब आप इससे क्लीन करोगे ना, तो आपके जो वॉश बेसिन के अंदर गंदगी होगी एक्स्ट्रा, वो सारी निकल कर आ जाएगी। क्योंकि कोलगेट और जो ये आलू है ना, ये क्लीनिंग का काम बहुत अच्छे से करते हैं। और इसी तरीके से जो आपके नल के ऊपर दाग धब्बे हैं, उसके अंदर भी जितनी जंग वगैरह लग जाती है, पानी के दाग रह जाते हैं, हटते नहीं हैं, उसको भी ये रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरीके से एक बार तो इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, आपका जो वॉश बेसन है ना बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। आप इसको अपने किचन के सिंक में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दाग धब्बे हटाने में बहुत अच्छा काम करता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहले और अब में कितना फ़र्क है, पहले भी साफ था, लेकिन जितनी ज़्यादा इसके अंदर येलोपन आ रहा था, वो सारा और भी ज़्यादा दूर हो गया है। तो अच्छा लगा आइडिया तो शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है पानी की बोतल को लेकर। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे पानी की बोतल लेके जाते हैं बैग में, हैंड बैग में भी लेके जाते हैं, और इस तरीके से सब्जी वगैरह लेके जाते हैं, तो इस तरीके का थैला भी लेके जाते हैं, और ये बोतल जैसे ही रखते हैं ना पानी की, ये साइड में इस तरीके से गिर जाती है, और कई बार तो इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि पेपर वगैरह भी हमारे सारे जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो पानी की वजह से गीले हो जाते हैं और हमारा नुकसान हो जाता है, और ये पानी की बोतल भी लीक हो जाती है। तो इसके लिए एक जुगाड़ बता रही हूँ मैं आपको, क्या करना है आपको, लेना है हेयर बैंड। तो ये तो हमारे घर में होता ही है, हर लेडीज़ यूज़ करती है, और सेफ्टी पिन भी। तो आपको देखिए यहाँ पर इस तरीके से ना साइड में, कोने की साइड में देखिए, यहाँ पर
इसको इस तरीके से लगा देना है जैसे मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ पर सेफ्टी पिन से अच्छे से कवर कर दूँगी मैं, और जो सेफ्टी पिन है ना उसको भी हम देखिए इस तरीके से रबड़ बैंड को इसके ऊपर कवर कर देंगे ताकि ये दिखाई ना दे, और ये इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम लगाते हैं अपनी बोतल। तो जैसे ही आप इसके अंदर बोतल रखोगे ना, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से बोतल को रखिए, और जो ये रबड़ बैंड लगाए ना इसको इसके मुँह के ऊपर इस तरीके से टैक कर दीजिए। आपकी बोतल ना कहीं हिलेगी डुलेगी, बिल्कुल जैसे आपने रखी है ना खड़ी करके वैसे ही खड़ी रहेगी, और ना ही ये साइड में गिरेगी। इससे आपका जो नुकसान होता था वो बिल्कुल भी नहीं होगा, और ना ही आपके पेपर वगैरह कुछ भी गीले होंगे, ना ही बोतल आपकी गीली होगी, ना ही आपका बैग गीला होगा। तो इस तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा, और आज का वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। इस तरीके की बढ़िया बड़े टिप्स मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।